शेयर बाजार में आज हरियाली छाई रही। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। निफ्टी का स्तर 20,000 के पार चला गया। सेंसेक्स 67,000 के पार पहुंचा। रेलवे शेयरों और शिपिंग कंपनियों के शेयरों में तेज उछाल आज के कारोबार की सबसे खास बात रही। हालांकि अडानी ग्रुप के शेयरों ने भी सोमवार को अपना दम दिखाया और बाजार को चौंका दिया। अडानी पोर्ट्स निफ्टी का टॉप गेनर रहा। रेलवे और शिपिंग कंपनियों के शेयरों में तेजी की वजह सबको पता थी कि G20 में इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान इन कंपनियों को जबरदस्त फायदा पहुंचाएगा, लेकिन अडानी ग्रुप के शेयरों में आखिर तेजी क्यों दिखाई दी? तो चलिए हम बताते हैं कि अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ने ऐसा क्या दांव चला कि बाजार में उनके शेयरों ने जश्न का माहौल बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूँ श्रेया ठाकुर। सबसे पहली वजह यह है कि भारत और सऊदी अरब ने रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रिड इंटरकनेक्शन में सहयोग और निवेश पर एक MOU साइन किया। इसकी वजह से अडानी ग्रीन और अडानी एनर्जी में तेजी देखने को मिली। पहले बता दें कि अडानी एनर्जी का नाम अडानी ट्रांसमिशन था, अभी कुछ दिन पहले ही इसका नाम बदला गया है। शेयरों की बात करें तो अडानी ग्रीन आज 1.78% की तेजी के साथ 1,019 रुपये पर बंद हुआ। वहीं अडानी एनर्जी 5.20% की तेजी के साथ 874.80 रुपये पर बंद हुआ। अब आते हैं अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेस पर। इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान का असर अडानी पोर्ट्स पर भी देखने को मिला। इसके अलावा इन दोनों शेयरों में प्रमोटर ग्रुप ने हिस्सा बढ़ाया है। प्रमोटर ग्रुप ने अडानी एंटरप्राइजेस में अपना स्टेक 69.87% से बढ़ाकर 71.93% कर दिया। एक महीने से भी कम वक्त में ये दूसरा मौका है जब अडानी ग्रुप के प्रमोटरों ने अडानी एंटरप्राइजेस में अपना स्टेक बढ़ाया है। इसके साथ ही गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट में स्टेक 63.06% से बढ़ाकर 65.23% कर लिया है। अडानी एंटरप्राइजेस में प्रमोटर ग्रुप ने 21 अगस्त से 7 सितंबर के बीच 2.06% और हिस्सा खरीदा। वहीं अडानी पोर्ट्स में प्रमोटर ग्रुप ने 14 अगस्त से 8 सितंबर के बीच 2.17% और हिस्सा खरीदा है। स्टॉक एक्सचेंजों में की गई फाइलिंग से इसका पता चलता है। जाहिर सी बात है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से पैदा हुई क्राइसिस से निपटने के लिए अभी भी ग्रुप अडानी ग्रुप तमाम कोशिशें कर रहा है। शेयरों की बात करें तो अडानी पोर्ट्स 7.10% की बढ़त के साथ 883.55 रुपये पर बंद हुआ। वहीं अडानी एंटरप्राइजेस 3.68% की बढ़त के साथ 2,612 रुपये पर बंद हुआ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद जो भारी गिरावट आई है उसमें GQG पार्टनर्स ने अडानी की कई कंपनियों में मोटा स्टेक खरीदा है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इसके अलावा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो है कि 15 सितंबर को अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट सेबी की स्टेटस रिपोर्ट पर संज्ञान लेगा 15 सितंबर को। उससे पहले भी खरीदारी हो रही है, लेकिन निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। हमने ये वीडियो आपके जानकारी के लिए बनाया था। कोई भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपये महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।